अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं। डेयरी फार्मिंग का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मैं अपनी स्टडी के नॉलेज बढ़ाने के लिए ना इधर ज़रा गांव-गांव में, हर गांव में जाता हूँ और देखता हूँ कि गांव भैंसों को क्या चारा खिलाते हैं और कैसे इनकी देखभाल करते हैं। तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसलिए मैं गाँव वगैरह में घूमता रहता हूँ और पूछता रहता हूँ लोगों से। आज मेरे साथ भाई साहब एक और हैं इस्लामाबाद से, इनका नाम है मलिक इनामुल्ला। तो ये ज़रा मुझे गाइड करेंगे कि इधर इधर के, क्योंकि मुझे रस्तों का ज़्यादा पता नहीं है किधर जाना है। तो ये मुझे लेके आए, इनका दोस्त इधर रहता है चौधरी अफ्ताब ओलख, ओलख होते हैं, जट हैं, और इन्होंने अपना ये इधर फार्म वगैरह बनाया हुआ है। ये इनका तालाब भी है जहाँ नहाते हैं ये रात को, सुबह नहीं नहाते, ये शर्म आती है इन्हें लोगों के सामने, और रात को नहाते हैं आमतौर पर। ये तालाब देखें, भैंसे भी इधर ही नहाती हैं। और ये इनके दोस्त हैं मलिक इनामुल्ला, अहमदाबाद वाले हैं ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं आपकी मदद थोड़ी सी चाहिए थी, तो मैं आपको साथ ले आया, इसलिए आप थोड़ा सा अपने अफ्ताब असगर ओलख से मुझे मिलाएं। बिल्कुल, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है ना गाय भैंसे, ये क्या खिलाते हैं इन्हें, कैसी इनकी सेहत का राज क्या है, मैं इनके बारे में बहुत दूर दूर तक चर्चा सुना है। बिल्कुल जी, मैं अभी आपको मिलाता हूँ इनसे, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और तकरीबन ये कोई 60-70 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, इनके अबाओ अजदाद भी? हाँ जी बिल्कुल, अबाओ अजदाद से यही काम, इसकी जमीनें भी हैं इनकी, और मैं अभी इनको बुलाता हूँ। ठीक है, तो ये आप डेरा वगैरह सारा यहाँ पे, ये सारा ये जमीन पे, ये इन्होंने चावल लगाए हुए हैं, ये सारी जमीन इनकी है, ये सारी जो नजर आ रही है ये सारा इनका डेरा है जी। यहाँ पे गाय वगैरह भैंस वगैरह बांधते हैं, ये डेरा है। हाँ जी, तो माशाल्लाह काफी इनकी भैंसे हैं। अच्छा। और ये देखें आपके सामने हैं, ये काफी भैंसे हैं, ये सब इनकी हैं। इसके अलावा और भी हैं, वो दूसरा डेरा है उस पे बंधी हुई। तो आप आपने दोस्त से जरा तारुफ कराया ना, उनसे बिल्कुल पूछे। बिल्कुल, अभी आए, आज खाने का वक्त भी हुआ है, फिर जाना भी हमने खाना खाने। हेलो, एक्सक्यूज मी, आफ्ताब भाई। हाँ जी भाई जान, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र भाई। ये जी इस्लामाबाद से आए हैं भाई, ये अपना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं डेयरी फार्म का। अच्छा। उसके बारे में आपसे ये बात करना चाहते हैं, तो प्लीज इन्हें थोड़ा सा गाइड कर दें। डोंट वरी जी, आई एम, माय नेम इज आफ्ताब असगर ओलख, आई बिलोंग टू मछराला जी, गुजरांवाला, तहसील कामो की। अच्छा। जी आप इतनी तफसील बता रहे हैं, मतलब तफसील बताने का मकसद यही है कि मैं पॉपुलर, इसका इनका मैं बताता हूँ, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये पॉपुलर होने का इन्हें बहुत शौक है। क्या इनका इरादा तो नहीं इलेक्शन में खड़े होने का इधर कहीं? नहीं, यहाँ शौक तो भी है जी ने, कुर्सी का जो हाल है पाकिस्तान का, बच्चे को शौक है कुर्सी। असल में बात यह है कि ज्यादातर लोग हमारे इधर